शहर के मुरान इलाके में एक पार्षद की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पार्षद जन्मदिन पार्टी में शामिल होने पहुंचा था, इसी दौरान उसके दोस्तों से विवाद हो गया और उसके दोस्तों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मृतक के स्वजनों ने 5 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। इसमें से एक आरोपित को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उधर मृतक के स्वजनों ने चक्का जाम कर दिया। स्वजनों की मांग है कि आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इधर सैलू के स्वजनों सहित स्थानीय लोगों ने मुरार थाने के बाहर जाम लगाकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। मुरार थाना प्रभारी शैलेंद्र कुशवाहा ने बताया कि मुरार कैंटोनमेंट एरिया के वार्ड से पार्षद शैलेंद्र उर्फ सैलू कुशवाहा जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए बीती रात गए थे। इस पार्टी में शामिल भूरा तोमर, धर्मेंद्र पाल, विक्की कौशल, विनीत राजावत सहित 5 लोगों के साथ शराब पी इसके बाद आपस में विवाद हो गया तो पार्षद शैलेंद्र उर्फ सैलू को पीटना शुरू कर दिया। उस पर लाठी और डंडों से वार किया गया। उसे तब तक पीटते रहे जब तक वह लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ा। इसी दौरान पार्षद शैलेंद्र कुशवाहा की मौत हो गई। उसे अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार सुबह स्वजनों ने मुरार इलाके में चक्का जाम कर दिया। स्वजनों का कहना है कि तत्काल आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके मकान पर बुलडोजर चलाया जाए। पुलिस ने 5 आरोपितों में से एक विक्की कौशल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। पार्षद की हत्या के बाद आक्रोशित स्वजनों ने मुरार थाने के बाहर जाम लगा दिया है। उनके साथ सैकड़ों स्थानीय लोग भी शामिल थे। सभी लोग आरोपितों को पकड़ने व उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे। मौके पर पुलिस के अफसर पहुंच गए थे और स्वजनों को समझा बुझा कर जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे थे। घटना ये घटी थी कि शाम को आए थे घर पे। कौन आए थे आपके? हस्बैंड मेरे सैलू पाशा जी चले गए आके, क्या कह रहे थे कि मैं अभी आ रहा हूँ 1-1.5 घंटे से लौट के, फिर आए ही नहीं। राय शर्मा साथ में था तो हमारी कल एनिवर्सरी थी तो कह रहे अभी आ रहा हूँ, कुछ ले आता हूँ खाने पीने की चीजें। बच्चों ने भी जिद करी तो मैंने मना करी थी तो वो बच्चों ने बोल दिया, तो बच्चों की वजह से लेके आए। फिर रात को आए थे 10 बजे, केक लेके आए थे, खाने की सब्जी वब्जी लेके आए रख के, और राय शर्मा के साथ चले गए। बुरा से एक दिन पहले लड़ाई हुई थी बुरा तोमर से, और साथ में सुबह से राय शर्मा ही था उनके साथ में, और लड़ाई हुई थी तो बुरा की भी थोड़ी नोकझोंक हुई थी, तो बहुत ज्यादा चेटा चेट कर रहा था वो, तो मेरे से ही बात हुई थी बुरा की, तो मैं उसको भी समझा रही थी कहते कैसा नहीं वैसा नहीं, अच्छे से मैंने प्यार से बात भी करी थी उससे बुरा से, तो वो माना ही नहीं, तो भैया उनसे चैट चाट के भैया बोलता था। लेकिन 2-3 महीने पहले उसकी लड़ाई चल रही थी जब से उसकी बोलचाल बंद थी, लेकिन परसों क्या है वो बोलने लगा तो भैया ने कुछ और इससे बातचीत कर ली, तो चक्कर में फिर भैया ने उसे प्यार से समझाया उसको, तो वो नहीं समझ में आया उसको। पार्षद थे तो उनसे क्या है पिछली 2-3 महीने पहले एक ढाबे पे लड़ाई हो गई थी, ये पी खाके उधम मचा रहा था, निरंजन ढाबा है उसका, हाईवे पे उसका निरंजन का, तो वहां पर उससे हो गई थी, तो जब ही की रेंस लेके चल रहा है तब से उसने बोलचाल बंद कर दी, तो परसों से बोलचाल चालू करी उसने, भैया ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि चल भैया बंदी है मेरी अच्छे से निबट जाए तो अच्छी ही बात है। ये कब की घटना है, कितने बजे की? जो अभी मर्डर हुआ है ये रात को 10 के बाद की। काई से मारा है? प्लान करके मारा है उसको। कितने आपको किस पे शंका है? शंका मेरे को तो उस पे ही है और तो किसी पे है नहीं।